वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक, कि अगर स्फेरिकल सर्फेस है, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेस, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात हम लोगों ने की थी। ठीक, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। तो अगर कोई स्फेरिकल सर्फेस है और रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है, और रिफ्रैक्शन में एज वी ऑल नो कि स्नेल्स लॉ यूज किया जाता है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। स्फेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खास तौर से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटेटिव एग्जामिनेशन में इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक, और बहुत ठीक तरीके से आपको इसमें साइन कन्वेंशन को लगाने की जरूरत होगी। ठीक, तो क्वेश्चंस में हम लोग आएंगे, पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले डिस्कस कर लें, और जो बेसिक फॉर्म है, फॉर्मूला है, उसको डिस्कस कर लें, फिर उस पर क्वेश्चंस के एप्लीकेशन पे भी आते हैं। ठीक, और ये जो सेक्शन है अगर अच्छे से आप समझते हैं तो यही आपको आगे लेंसेज में भी है ना हेल्प करने वाला है। ठीक, तो इसलिए ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसे बहुत ध्यान से समझ लें। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देखिए, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है ये, ठीक, और ये स्फेरिकल सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब इस तरफ मीडियम अलग है और इस तरफ मीडियम अलग है, तो ये मीडियम, इस तरफ का जो मीडियम है इसे मीडियम वन कह दूं, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे म्यू वन बोल देते हैं, और यहाँ मीडियम अलग है, मीडियम टू, ठीक, ये मीडियम सेकंड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस तरफ मीडियम अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और इस तरफ का मीडियम अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और ये दोनों मीडियम एक स्फेरिकल सर्फेस से, एक स्फेरिकल सर्फेस इन दोनों मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक, ये जिस स्फीयर का पार्ट, अगर स्फीयर कंप्लीट करें तो उसका रेडियस कितना आर। यहां पर भी देखिए, मिरर्स में जब आपने स्टडी किया था तो बात आती थी पोल की, कि मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता था, मतलब ज्योमेट्रिकली जो पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच मिरर में आएगा उसे आप पोल बोलते थे। यहां भी बिल्कुल वही बात है कि इस स्फेरिकल सर्फेस का जो ज्योमेट्रिकली सेंटर वाला पॉइंट होगा उसे हम पोल बोलेंगे, और यहां कहीं यहाँ ये पोल होगा, और यहाँ पर जो इस स्फीयर का सेंटर कहीं लाई करेगा तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल मिरर की तरह ही, मिरर में भी ऐसे ही करते थे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देते थे, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से रेज निकले और स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद उसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन नहीं, अब रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होगा तो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगा। ठीक, और रे ऑप्टिक्स का तो शुरू से ही मैंने बताया, चाहे प्लेन मिरर हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट है और उसके इमेज को लोकेट करने की बात आती है। तो यहाँ भी हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसके इमेज की बात करें, तो इमेज का मतलब यहाँ से दो डिफरेंट रेज ऑब्जेक्ट से भेजें, रिफ्रैक्ट कराएं, और देखते हैं वो रेज कहाँ पर मिल जाते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रेज मिल जाएंगे, ठीक, उसी को आप इमेज बोलेंगे। तो चलिए एक रे ऐसे सीधा भेज देते हैं, तो ये रे ऐसे सीधा जाएगा तो इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा पोल पर, और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना है तो स्फेरिकल सर्फेस पर नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब उस पॉइंट को सेंटर से मिला देना है, क्योंकि किसी भी स्फेरिकल सरफेस में रेडियस ही टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ देखिए नॉर्मल यही हो जाएगा, इसका मतलब हमारा रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, और रे सीधा चला जाएगा। ठीक, मिरर में क्या होता था, कोई भी रे अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस जाता था तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वैसे ही लौट आता था। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे जाएगा तो वो बिना डेविएट हुए सीधा चला जाएगा। ठीक, क्योंकि वो सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, और नॉर्मल इंसिडेंट होने पर रिफ्रैक्शन नहीं होता।
ठीक है, आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। दूसरे रे को बना देता हूँ, एक सेकेंड रे इधर मैंने भेज दिया, ठीक है, एक सेकेंड रे इधर आ गया, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें। तो नॉर्मल मतलब ये सेंटर से ज्वाइन करेंगे, यहाँ सेंटर है तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, और हमारा रे ऑफ लाइट, ये रेड लाइन जो मैंने बनाई है वो नॉर्मल के लिए। अब देखिए, अगर यहाँ मीडियम रेयरर है और यहाँ डेंसर है, जैसे ऐसा समझिए कि इधर एयर है, ये स्फेरिकल सर्फेस है और इधर ग्लास है, तो ग्लास है और उसका जो सर्फेस है वो कर्व्ड है, स्फेरिकल है, ठीक। तो रे ऑफ लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ से हमारा रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक, और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से दो रेज इमर्ज हुए और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो दोनों रेज इस पॉइंट पर मिल जा रहे हैं, तो यही इमेज होगा, ठीक है, यही इमेज होगा, ठीक, और रेज खुद ब खुद मिल गए तो इमेज इस समय इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इमेज रियल है, ठीक है, तो ये एक रियल इमेज बन रहा है ना। रे इधर भी भेज सकते थे, वो भी वहीं पर आके कन्वर्ज करता, ठीक है। तो आपने देखा एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक, और ऑब्जेक्ट को आपने पहले मीडियम में रखा, रिफ्रैक्शन के बाद है ना रेज इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये उसका इमेज। अब यहां देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पर इसको ए बोल दूं, ठीक, ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को अल्फा बोल दे रहा हूं, इस एंगल को बीटा, और ये पर्टिकुलर एंगल गामा, क्लियर। अब यहां पे देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, और ट्रायंगल ओ ए सी में आई एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और ओ ए सी, ठीक, और किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, तो आई इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा। ट्रायंगल ओ ए सी में आई एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल सम के बराबर होगा। अब इसके बगल वाले ट्रायंगल पे आ जाइए, ट्रायंगल ए सी आई, ए सी आई में ये बीटा एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस गामा, ठीक है, और अगर आर की मैं बात करूं तो आर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, आर की बात करेंगे तो बीटा माइनस गामा। और देखिए, रिफ्रैक्शन हुआ है तो स्नेल्स लॉ तो जरूर ही लगाएंगे, बिना स्नेल्स लगाए तो काम बनेगा नहीं, और स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन में अगर आप देखें तो देखिए, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दें तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने स्नेल्स लॉ डिस्कस किया था तो ऐसे बताया था लिखने के लिए, म्यू एंड साइन थीटा का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। और देखिए, अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं अल्फा बीटा और गामा, इसका मतलब जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है, और अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है तो ऐसे रेज को पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, ठीक है। और मिरर में भी आपने ये देखा था कि जो मिरर फॉर्मूला आपने निकाला था वो भी सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए था, यानी एंगल बहुत छोटे लिए थे आपने अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर भी एंगल बहुत स्मॉल है, पैरेक्सियल रेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल है, ठीक, तो हम लोग मिरर के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं, या स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन, या आगे लेंस, सभी में ये मान के पढ़ते हैं कि जो हमारा रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज रहेगा पैरेक्सियल रेस के लिए, ठीक, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते हैं उनको मार्जिनल रेस बोलते हैं, और मार्जिनल रेस के लिए हम लोग रिजल्ट हमारे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर। देखिए, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है, पैरेक्सियल रेस है, तो आई और आर भी बहुत छोटा होगा, और एंगल जब बहुत छोटा होता है तो थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू सेम हो जाती है। तो अगर ये पैरेक्सियल रेज की बात हो रही है तो फॉर पैरेक्सियल रेज इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, म्यू वन इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू आर। साइन आई को आई लिख दिया, साइन आर को आर लिख दिया, आई आर की वैल्यू यहां से लेंगे तो म्यू वन आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, एंड म्यू टू आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा, ठीक है, बीटा माइनस गामा। और यहाँ देखिए, अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा को टैन अल्फा, बीटा को टैन बीटा, है ना, गामा को टैन गामा लिख सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दूँ, ये ड्रॉप कर दूँ, तो चूंकि पैरेक्सियल रेज हैं तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा और इसे हम लोग पी पॉइंट ही बोल लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट पी ही होगा, ये बहुत छोटा क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे। देखिए इसमें, तो इसमें पुट करेंगे म्यू वन और अल्फा को टैन अल्फा, बीटा को टैन बीटा इज इक्वल्स टू म्यू टू और टैन बीटा माइनस टैन गामा। ठीक, और वैल्यूज आप देख लीजिए, म्यू वन टैन अल्फा, टैन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो ए पी अपॉन ओ पी ट्रायंगल में साफ दिख रहा है, टैन बीटा, टैन बीटा ए पी अपॉन पी सी, ए पी ओवर पी सी इज इक्वल्स टू म्यू टू और टैन बीटा फिर ए पी अपॉन पी सी और माइनस टैन गामा ए पी अपॉन पी आई, ए पी अपॉन पी आई, ए पी ए पी ये कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर भी देखिए वही सेम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, सेम साइन कन्वेंशन मतलब सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसे u बोलेंगे और इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसे v बोलेंगे। यही मिरर में भी आप यूज़ करते थे, सेम यही मिरर में भी आप यूज़ करते थे, तो इसे हम लोग v बोलेंगे इमेज के डिस्टेंस को, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से ये डिस्टेंस r हो जाएगा। ठीक, साइन कन्वेंशन की बात हुई थी मिरर्स में कि डिस्टेंसेज हमेशा पोल से मेजर होंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, उसका अपोजिट नेगेटिव, सेम साइन कन्वेंशन यहां भी है। ठीक, डिस्टेंसेज पोल से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, देखिए रे ऐसे यहां से ऑब्जेक्ट से रे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस तरफ जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव होगा और इस तरफ जो भी मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव होगा। ठीक, सेम साइन कन्वेंशन, सिमिलर साइन कन्वेंशन, जैसा कि मिरर्स में हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ओपी को माइनस यू लिखेंगे तो म्यू वन और वन अपॉन माइनस यू, माइनस यू क्यों लिख रहे हैं, इस साइड पे है कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव। ठीक है, प्लस वन बाई पी सी, पी सी मीन्स आर, प्लस में लिखेंगे इस साइड है पोल से इधर पॉजिटिव इज इक्वल टू म्यू टू। ठीक है, म्यू टू और ये वन बाई आर और माइनस वन अपॉन पी आई, पी आई का मतलब वी। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा दें, देखिए इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा म्यू टू, देखिए ये आर वाला टर्म उधर ले जाएंगे, इधर आर वाला है इधर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो आर वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे, ये दो आर वाले हैं, और जिनमें आर नहीं है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस म्यू टू बाई वी, तो म्यू टू बाई वी, और इधर बचेगा माइनस म्यू वन बाई यू, और इधर आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, म्यू टू बाई आर और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और कॉमन वन बाई आर, तो आर इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये तो इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, म्यू टू बाई वी, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो जब भी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो, पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है यू, तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, वी पर। ठीक, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो फॉर्मूला यूज करना है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है, इसी पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और इसी, ठीक है, को आप अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चंस में, और इसी से आगे आप लेंस की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है। ठीक, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और वही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें आप जब ठीक से नहीं पकड़ते तो वो गड़बड़ हो जाता। पहली बात तो ये कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, और ऑब्जेक्ट अगर कभी स्फेरिकल सरफेस को टच कर गया
तो फिर इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसिडर नहीं किया जाता। मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो भी ये यहीं दिखेगा और यहाँ से देखेंगे तो भी, क्योंकि रे सीधे एक ही मीडियम में जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी ऑब्जेक्ट हमारा किसी स्फेरिकल सरफेस को टच कर जाता है, ठीक, तो उस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। टच कर गया तो अब इसके आगे यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा तो ज़रूर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहली बात मैंने कही कि अगर ऑब्जेक्ट सरफेस को टच कर जा रहा है, ठीक, तो उस सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक। दूसरी बात, ये म्यू वन म्यू टू लेने में अक्सर थोड़ी परेशानी हो जाती, तो म्यू वन म्यू टू मतलब ध्यान रखेंगे आप, म्यू वन म्यू टू ध्यान रखेंगे कि म्यू वन किसको लेंगे और म्यू टू किसको लेंगे, ठीक। तो कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट है वो म्यू वन, जहाँ इमेज है म्यू टू। बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है। म्यू वन मतलब कि रे ऑफ लाइट, ठीक, ये फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। तो मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्रैक्शन से पहले रे किस मीडियम में चल रहा है, ठीक। जैसे रे इधर गया तो पहले रिफ्रैक्शन से पहले रे किस मीडियम में चल रहा है, वो म्यू वन होगा। यानी म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स बिफोर रिफ्रैक्शन। एक स्फेरिकल सरफेस आपको दिखेगा ही, तो रे एक तरफ से आएगा, तो रिफ्रैक्शन से पहले जिस मीडियम में वो चल रहा है वो म्यू वन, और रिफ्रैक्शन के बाद जिसमें जाएगा वो म्यू टू, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्ट इमेज एक ही तरफ मिल जाता है, ठीक। तो आपको रिफ्रैक्शन पे ध्यान रखना है, बिफोर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जिसमें चलेगा वो म्यू वन, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जिसमें जाएगा वो म्यू टू होगा, ठीक है। तो म्यू वन म्यू टू का चॉइस क्लियर हो गया, ठीक। साइन कन्वेंशन सिमिलर है, वो फिर से बोलने की जरूरत नहीं। डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव और उसका अपोजिट नेगेटिव, जस्ट लाइक स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये एक्सप्रेशन, इसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा दूं, इसी एक्सप्रेशन को देखिए। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन वी बाई म्यू टू, ये वन अपॉन म्यू टू को ये नीचे के नीचे लिख लिया, फिर प्लस वन अपॉन माइनस यू बाई म्यू वन और इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर बाई म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं इसे मिरर फॉर्मूले से कंपेयर करना चाहता हूँ। वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ, ये था, ये मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूले में लेटरल मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू था, लेटरल मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वाला नहीं, लेटरल वाला, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को इस मिरर फार्मूले से कंपेयर करूँ, तो v की जगह पर मुझे क्या दिख रहा है, v की जगह पर देखो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू 1 बाई एफ जैसा होता है, उसी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो v की जगह पे क्या आ गया, v की जगह v बाई म्यू टू आ गया, u की जगह पे क्या आ गया, माइनस यू बाई म्यू वन आ गया, और f की जगह पे क्या आ गया, ये, ठीक। तो अगर यहाँ कोई मैग्निफिकेशन पूछता है, तो मैग्निफिकेशन मतलब वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। तो यहाँ मैग्निफिकेशन चाहिए, माइनस वी बाई यू, तो माइनस वी की जगह क्या लिख दूँ, वी अपॉन म्यू टू, और यू की जगह माइनस यू अपॉन म्यू वन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगा म्यू वन इंटू वी अपॉन म्यू टू इंटू यू, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक। तो इस सेक्शन में सिर्फ फॉर्म देखें तो दो ही फॉर्मूला ही है, ठीक है, एक ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस को रिलेट करेगा, और दूसरा मैग्निफिकेशन म्यू वन इंटू वी अपॉन म्यू टू इंटू यू, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, है ना। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, और इन्हीं दोनों रिजल्ट को रिफ्रैक्शन में हम यूज करते हैं। चलिए तो अप्लाई करके देखते हैं, जो बातें हम लोगों ने सीखी, जो फॉर्म हमने सीखा, इसका एप्लीकेशन ज़रूरी है कि आप फॉर्म को ज़रूर, क्वेश्चन को ज़रूर, है ना, अपने न्यूमेरिकल पार्ट सेक्शन को आप ज़रूर, है ना, हैंडल कर पाएँ अच्छे से। तो अब हम लोग अपने एप्लीकेशन पे आते हैं। जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब देखिए एक क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर वन, ये एक ग्लास स्फीयर है और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास को ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेते हैं, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर्स और इस ग्लास स्फीयर को, ये जो ग्लास का स्फीयर है इसको आपने एयर में रखा हुआ है, ठीक है, एयर में रखा है और इसको इस ग्लास स्फीयर पर एक मार्क बना दिया यहाँ पर, ठीक, ये मार्क है और इस मार्क का साइज 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर आप इस मार्क को ऑब्जर्व करते हैं इस साइड से, ठीक, तो ये मार्क आपको कहाँ दिखाई देगा, जैसे आपके पास ग्लास स्फीयर है उस पर आपने एक निशान बना दिया किसी पेंट से और दूसरी तरफ से आप देखें, ठीक है, तो वो कहाँ दिखाई देगा, उसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी और वो कितने बड़े साइज का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि इस मार्क को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसकी इमेज की पोजीशन और साइज, ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखिए करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था साइन कन्वेंशन में, एक दो बातें स्फेरिकल सरफेस पे याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेस को टच कर जाता है तो उस सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है हमारा ऑब्जेक्ट उसी को टच कर रहा है, तो इस सरफेस से आपको रिफ्रैक्शन नहीं लेना है, ठीक। एक लाइन ये खींच दूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ध्यान ये देना है कि हमारा ऑब्जेक्ट इस स्फेरिकल सरफेस को टच कर रहा है तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, यही बात मैंने शुरू में बोली थी, ठीक, कि जिस स्फेरिकल सरफेस को टच कर जाएगा, ठीक है, उससे रिफ्रैक्शन कंसिडर नहीं होगा। अगर यही स्फीयर ऐसा होता और ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता तो ऑब्जेक्ट पहले एयर से कहाँ जाता, ग्लास में, तो पहले उसका इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होता इससे, ठीक, और फिर उसके बाद इस सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होता है, फिर वो ग्लास से एयर में आता, तो दो बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ता और ऐसे क्वेश्चन में पहला सरफेस जो इमेज बनाता है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं और वो हम लोग अभी आगे करेंगे। और यही कुछ बेसिस लेंस का भी होता है, लेंस में भी दो है ना रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो उन दोनों से है ना फाइनल इमेज हम लोग फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं लेंगे, रे चलेगा और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, और जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो अब इसके हिसाब से साइन कन्वेंशन डिसाइड होगा, सारे डिस्टेंसेज इसके पोल से नापे जाएंगे और ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगा, ग्लास में चलने के बाद एयर में जाएगा, ठीक, तो ऐसे रे जाएगा, तो साइन कन्वेंशन कहता है कि इधर की तरफ जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव और इधर की तरफ जो डिस्टेंस मेजर होगा वो नेगेटिव, ठीक है, इधर की तरफ जो डिस्टेंस मेजर होगा वो नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक। अब आपको क्या करना है, बस म्यू वन म्यू टू सही तरीके से म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक, तो म्यू वन म्यू टू की वैल्यू अगर सही ढंग से सेलेक्ट कर लेनी है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले म्यू वन मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जिस सर्फेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक, तो रिफ्रैक्शन से पहले रे किसमें चल रहा है, तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन से पहले ग्लास में चलेगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद एयर में जाएगा, तो म्यू वन की वैल्यू 1.5 और म्यू टू की वैल्यू 1, रिफ्रैक्शन से पहले ग्लास में उसके बाद वो एयर में जाएगा, ठीक। यू देखिए, यू यहाँ से मेजर करना है, ये रेडियस 10 है तो 10 और 10 है ना डायमीटर 20, तो इसे -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, तो -20 इसलिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो देखिए सेंटर भी इस तरफ लाई कर रहा है, इधर से इधर नेगेटिव होगा, तो इसे भी ये माइनस में लिखेंगे, -10। और फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है, ठीक है, वी फाइंड करना है, तो ये सिलेक्शन, ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है, ये सिलेक्शन क्लियरली। अब फॉर्मूला एक ही था और उस फॉर्मूले को आपको अप्लाई कर देना है, और वो फॉर्मूला क्या था, म्यू टू बाई वी, फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ठीक, और म्यू टू की वैल्यू कितनी है, 1 बाई वी माइनस म्यू वन की वैल्यू 1.5 को 3/2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यू की वैल्यू -20
ठीक, और म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक, तो 1 माइनस 1.5 अपॉन आर, आर मतलब माइनस 10, क्लियर। इसी को आगे बढ़ाएंगे और इस कैलकुलेशन को अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं तो ये देखिए क्या आ जा रहा है, 1 बाई वी माइनस ये 3 बाई, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 3 बाई 40 और इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 मीन्स 0.5 माइनस 0.5 और वो माइनस हाफ लिख सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/20 और 1/v की वैल्यू 1/20 माइनस 3/40, ठीक है, और यहाँ 40 कॉमन ले लेंगे और ये 2-3, ठीक है, तो 2-3 मतलब माइनस 1/40, इसका मतलब v की जो वैल्यू आ गई दिस इज माइनस 40 सेंटीमीटर्स, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो माइनस 40 सेंटीमीटर्स पे बनेगा, ठीक है, इमेज माइनस 40 पे, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट कहाँ है माइनस 20 पे, तो इमेज कहाँ बनेगा माइनस 40 पे। अगर मैं इसका रे डायग्राम भी आपको शो कर दूँ, हालांकि आपको बनाने की ज़रूरत होती नहीं रे डायग्राम, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसको देखने के बाद, तो यहाँ अगर रे डायग्राम मैं आपको बनाऊँ तो एक रे तो सीधा ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और दूसरा रे जो अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है वो सीधा, इसके लिए नॉर्मल ये ड्रॉ करोगे, और रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक, और ये आगे मिलने वाले नहीं है, और इन्हीं रेज को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो वो यहाँ आके मिलेगा ये इमेज, और इमेज यहाँ से कितने डिस्टेंस पर 40 सेंटीमीटर पर, माइनस है तो समझ में आ रहा है कन्वेंशन इधर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इधर की तरफ इमेज बनेगा और इमेज एक्सटेंड करके रेज को मिला है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनने वाला है, ठीक है। और अगर साइज पूछा जाए कितना बड़ा दिखेगा, तो 2 सेंटीमीटर का हमारा मार्क है, अगर वो कितना बड़ा दिखाई देगा तो हमें मैग्नीफिकेशन पे जाना पड़ेगा, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल्स टू म्यू वन इंटू वी अपॉन म्यू टू इंटू यू, ठीक, वैल्यूज पुट कर दीजिए अकॉर्डिंगली, म्यू वन मीन्स, म्यू वन क्या था 1.5 मतलब 3/2 इंटू वी, वी आपने निकाला माइनस 40, और म्यू टू 1 और यू कितना -20, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, और मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज का साइज चाहिए, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ ये कितना आ रहा है 3, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू 3 × 2 दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर, तो जो आपको इमेज दिखाई देगा वो दूर दिखाई देगा और सिक्स सेंटीमीटर साइज का दिखाई देगा, मतलब बड़ा दिखाई देगा, 3 गुना बड़ा दिखाई देगा जितने बड़े साइज का है, ठीक है। तो जिस सरफेस को ऑब्जेक्ट टच कर जाएगा उससे रिफ्रैक्शन नहीं करेंगे, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना है पोल से उसके डिस्टेंस मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव जस्ट एज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, और उसके अपोजिट नेगेटिव। रिफ्रैक्शन से पहले रे जिस मीडियम में चलेगा वो म्यू वन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद जिसमें जाएगा वो म्यू टू होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए और देखिए सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई कर देंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक हेमिस्फीयर ऐसे प्लेस्ड है और दूसरा ऐसे, ठीक है, और ये हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर्स हैं और इनका रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड म्यू इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जैसे कोई पेपर वेट है, ठीक, और उसे आपने किसी बुक के ऊपर रख दिया जिसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, और पेपर वेट ग्लास का है हेमिस्फेरिकल शेप का, और लेटर कुछ बुक पे जैसे किसी कॉपी पे या बुक पे लिखा है और उस पर आपने ऐसे रखा, पहली बार प्लेन सरफेस नीचे और कर्व सरफेस ऊपर, और अगर ऊपर से देखेंगे तो ये जो रिटन लेटर होगा ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमें दिखाई देगा, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ दिखाई देगा, पास या दूर। और अगर दूसरी बार ऐसे रख दिया कर्व सरफेस नीचे प्लेन ऊपर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें अगर आपको सॉल्व करना है इमेज की पोजीशन, तो देखिए पहले ये जो प्लेन सरफेस है हमारा ऑब्जेक्ट इसको टच कर रहा है प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस से कोई रिफ्रैक्शन नहीं लेना है कर्व से, तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसिडर करने जा रहे हैं इस वाले से, और इस सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन कंसिडर करने जा रहे हैं तो सारे डिस्टेंसेस के पोल से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगा, ठीक,
ऐसे जाएगा तो इस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव और इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बताइए म्यू वन कितना होगा। ये कर्व सरफेस है, रिफ्रैक्शन से पहले रे किसमें, ग्लास में, तो ग्लास में मतलब 1.5, रिफ्रैक्शन के बाद रे किसमें जाएगा, एयर में, यहाँ एयर, तो एयर में 1। यू कितना, यू का मतलब ये ऑब्जेक्ट, तो यू कितना -10, ठीक है ना। रेडियस भी कितना, रेडियस भी -10, क्योंकि ये कर्व सरफेस का सेंटर यहाँ पड़ेगा तो इधर मेजर करेंगे -10, यू भी -10, वी फाइंड करना है, ठीक। बिल्कुल वही फॉर्मूला, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर करके वी आपको निकाल लेना है, एक ही फॉर्मूला ही है। और बच्चों इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व सरफेस है ये हमारे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, स्फेरिकल सरफेस, तो इससे रिफ्रैक्शन नहीं लेंगे, लेकिन रे ऑफ लाइट जब ऐसे जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो इस प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन होगा, ठीक, ऐसे रे जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कन्वेंशन वही है, इधर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और इसका पोल ये है, ठीक, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ अगर आप म्यू वन लेंगे तो म्यू वन अगेन 1.5 होगा, पहले ग्लास में फिर एयर में, और म्यू टू कितना 1, और यू की बात करेंगे तो यू -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यू कितना हो जाएगा यहाँ से -10, और आर, तो देखिए सरफेस कैसा है, प्लेन, और कहीं पर भी प्लेन सरफेस आ जाता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। कर्व सरफेस है तो आप बनाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा, जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन अगर सरफेस प्लेन हो गया तो इसका मतलब स्फीयर कितने बड़े साइज का होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्फीयर में से ही अगर एक सेक्शन निकालेंगे तो वो प्लेन जैसा दिखेगा। तो प्लेन सरफेस कहीं दिखता है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक। म्यू वन क्लियर है, म्यू टू क्लियर है, यू क्लियर है, आर इनफाइनाइट क्योंकि प्लेन सरफेस है इसलिए आर इनफाइनाइट हो गया, और वी आपको निकालना है, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला हमारा वही है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक। और आर नीचे आएगा तो इनफाइनाइट, एनी नंबर बाई इन्फिनिटी जीरो, तो राइट हैंड साइड वाला जीरो हो जाएगा, यू म्यू वन म्यू टू पता है, यू आपको निकाल लेना है। सिंपल कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से, वो मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं, वो आप समझ जाएं, ठीक। तो स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन में साइन कन्वेंशन और कंडीशंस आप समझ गए, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे, और जब दो सरफेस रिफ्रैक्शन करते हैं तो कैसे डील करेंगे इसकी बात करेंगे, और लेंस की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।